जब से बिहार में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार गई है, बीजेपी के लिए चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। हालांकि कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत ने यह तो साफ कर दिया कि बिहार में बीजेपी के हाथ से मौका पूरी तरह से गया नहीं है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 10 सीटें ऐसी हैं जो सबसे कमजोर हैं और इसके लिए बीजेपी को फुल पसीना बहाना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का लक्ष्य है 350 सीट। इसको लेकर जनवरी 2022 से भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में बदलती स्थिति को देखते हुए भाजपा 204 सीटों को टारगेट कर रही है। इसमें 160 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा को जीत में काफी मुश्किल हुई है या फिर कम वोट से हार हुई है। इसमें बिहार में 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए पदाधिकारियों के साथ सितंबर से ही रणनीति बना रही है। भाजपा पहले 144 टारगेट के तहत बिहार के नवादा, वैशाली, वाल्मीकि नगर, किशनगंज को काफी मुश्किल मान रही थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद सुपौल, मुंगेर, झंझारपुर, गया, कटिहार, पूर्णिया को भी मुश्किल सीटों में माना जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी काम कर रही है। पार्टी संगठन से जुड़े कद्दावर नेता पहले उन सीटों पर फोकस करना चाहते हैं जिसे पार्टी जीतने के लिए कठिन मानती आई है। देश भर में लोकसभा की कुल सीटों में से पहले पार्टी ने 144 सीटों की पहचान की हुई थी, जिसे जितना वो चुनौती समझती है। अब उस लिस्ट में 16 और लोकसभा क्षेत्र शामिल कर दिए गए हैं, यानी अब देश में कुल ऐसी 160 सीटें हो गई हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के लिए कठिन मानती है। लेकिन उन सीटों को जीतने के लिए उसने अभी से मेहनत शुरू कर दी। पार्टी ने इसी रणनीति से गुजरात में विधानसभा की उन सीटों पर भी कांग्रेस को हराया जहां वो पहले कभी भी हारी ही नहीं। भाजपा ने जिन मुश्किल 16 लोकसभा सीटों की संख्या गिनाई है वो बिहार और महाराष्ट्र में है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का मुख्य रूप से बिहार और महाराष्ट्र में सहयोगी दलों से गठबंधन टूटा है। पंजाब में वैसे भी बीजेपी ज्यादा प्रभावी नहीं रही है, हालांकि इस बार वो वहां भी अपने दम पर तैयारियों में जुटी है। जहां तक बिहार की बात है तो वहां भाजपा से अलग होकर जेडीयू के नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना करीब 2.5 साल तक कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला चुकी है। लिहाजा 2024 में भाजपा ने महाराष्ट्र और बिहार में बदले राजनीतिक हालात को देखते हुए मुश्किल लोकसभा सीटों वाला अपना लक्ष्य 144 से बढ़ा दिया और अब 160 कर लिया। बिहार में बीजेपी की बड़ी चुनौती है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में उसने जिस तरह से महागठबंधन को हराया उससे उसका मनोबल और पक्का और बढ़ गया है। पार्टी राजधानी पटना में देश के 100 लोकसभा सीटों के विस्तारकों या फुल टाइम कार्यकर्ताओं की बैठक कर रही है। इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष, महासचिव सुनील बंसल, विनोद तावड़े, संयुक्त महासचिव शिव प्रकाश और बिहार के सह प्रभारी हरीश द्विवेदी विस्तारकों को संबोधित करते रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से ही वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं। भाजपा में विस्तारक ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो खास क्षेत्र में तसल्ली से अपना योगदान देते हैं और जमीनी स्तर पर पार्टी नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बिहार की 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा और रामविलास पासवान की एलजेपी 6 सीटों पर लड़ी। इसमें सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी 1 सीट हारी और बाकी 40 में से सब 39 सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा हुआ। लेकिन जेडीयू के अलग होने से बिहार का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है और अब बीजेपी को बिहार में एक तरीके से चुनौती तो दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है। जो रास्ता है वो अपनी तरीके से साफ करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव होगा बिहार में काफी ज्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आए उसने बीजेपी का जो मनोबल है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। और कहना बहुत आसान है कि बीजेपी अपनी उन्हीं रणनीतियों पर काम कर रही है जिस रणनीति को लेकर वो आगे भी दूसरे राज्यों में चुनाव जीतती आई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।